फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस फ्लैट की कॉर्पोरेट एरिया क्या है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहें। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 2 लाख रुपए के फ्लैट्स बन रहे हैं उनकी पूरी आज जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ और फ्लैट्स के अंदर मैं आप लोगों को पूरा कॉर्पोरेट एरिया के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अगर इस फ्लैट्स के कॉर्पोरेट एरिया की बात करूँ आपसे, तो फ्रेंड्स इस फ्लैट का जो कॉर्पोरेट एरिया है इवन 25 वर्ग गज के समथिंग है। फ्लैट्स आप देख लीजिए, इस फ्लैट में एक आगे का ये रूम है। फ्लैट्स ये डोर है आगे की, जो मेन डोर है, और इस मेन डोर से ही एक ये रूम पड़ता है। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक ये बड़ा रूम है। और फ्रेंड्स इस रूम के जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एक फ्रेंड्स ये रूम है, आप देख लीजिए, ये एक रूम अंदर है जिसको हम बेडरूम बोलेंगे। फ्रेंड्स ये बेडरूम है। इसमें डोर की बात करें तो डोर काफ़ी अच्छी दी हुई हैं, खिड़कियां काफ़ी अच्छी स्लाइडर मोड में खिड़कियां दी हुई हैं, और टाँड भी बना हुआ है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और जो दरवाजे वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही आप इस रूम के इधर आएंगे तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी बालकनी दी हुई है जो बाहर का आप लोगों को व्यू वगैरह देखने के लिए काम में आएगी। और फ्रेंड्स जैसे ही आप बालकनी में आएंगे तो जस्ट बालकनी के बगल में एक ये टॉयलेट बनाया हुआ है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, बालकनी के जस्ट बगल में ये टॉयलेट बनाया हुआ है। और फ्रेंड्स जो ये बालकनी है ये आप बाहर का व्यू देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स बाहर का जो व्यू है वो इस बालकनी से काफ़ी अच्छा दिखेगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप इस बालकनी के टॉयलेट के बगल में जस्ट बगल में जो वॉशरूम है वो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में ये वॉशरूम बनाया हुआ है। अब मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके जो फ्लैट्स का किचन है वो कैसा बना हुआ है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और जस्ट बाथरूम के बगल में ये किचन बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, किचन बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। किचन भी काफ़ी सफिशेंट एरिया में बना हुआ है फ्रेंड्स, किचन में सिंक वगैरह है। अभी ये फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस इनमें सफाई या फिनिशिंग का काम बाकी होना है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप लोग वीडियो में। फ्रेंड्स इस फ्लैट की जो मात्र कीमत थी वो 2 लाख रुपए थी। ओवरऑल जो मैं आप प्राइस की बात करूँ तो इस फ्लैट की ओवरऑल प्राइस 4.5 लाख रुपये थे, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी फ्लैट्स बन रहे थे उनमें हमें 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिली हुई थी। तो इस फ्लैट की जो कीमत थी फ्रेंड्स वो मात्र 2 लाख रुपये थी, जो 2 लाख रुपये में काफ़ी अच्छा फ्लैट्स बना हुआ है। फ्रेंड्स आप लोगों के बहुत वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी फ्लैट्स बन रहे हैं उनके कॉर्पोरेट एरिया के बारे में बताइए कि फ्लैटों का क्या साइज़ है। तो फ्रेंड्स ये थी फ्लैटों के साइज़ को लेकर वीडियो। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये एक फैमिली के लिए काफ़ी सफिशेंट फ्लैट है, बट कीमत की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे प्राइसेस में हमें गवर्नमेंट ने ये फ्लैट उपलब्ध कराया है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी सुविधाएँ भी यहाँ पर हैं, काफ़ी फ्लैट बन गए हैं फ्लैट। फ्रेंड्स अगर आप इन फ्लैटों के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और प्रधानमंत्री आवास योजना की फ्लैट्स का क्या प्रोसेस होता है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करें, मैं आप लोगों की आगे भी सारी क्वायरी सॉल्व करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो का प्यार भरा लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आप लोगों की अगर कोई भी क्वायरीज है प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तो मुझे वीडियो में कमेंट जरूर करें और मैं आगे आपकी क्वायरीज को सॉल्व करूंगा।